गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं, क्या इस अगस्त के महीने में हमारे इस बिजनेस की शुरुआत हो सकती है या नहीं। इस अगस्त के महीने में हमारे बिजनेस की शुरुआत हो सकती है या नहीं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। और इस करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही हम बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज आपको बहुत ही अच्छा महसूस भी होने वाला है, जिसको लेकर के आप 100% जो है बहुत ज्यादा संतुष्ट भी रहेंगे, सेटिस्फाई भी रहेंगे अपने इस बिजनेस को लेकर के। दोस्तों, मेरा नाम है मनंत सिंह गोला और आप जुड़े हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे ज्यादा लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि सर, अगस्त का महीना चल रहा है और इसमें आज जो हमारी तारीख है वो हो चुकी है, आज 8 तारीख हो चुकी है एंड 8 तारीख हो चुकी है और 8 तारीख के होने के बावजूद भी जो है अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एक काम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो है हमारा YouTube कॉन्टेस्ट। अगर YouTube कॉन्टेस्ट खत्म हो चुका है तो ऐसे भी सोच रहे होंगे कि अब हमें आगे क्या करना है, ऐसे भी इस बात की प्लानिंग कर रहे होंगे कि अब उनको जो आगे क्या करना है। सो फाउंडिंग मेंबर्स को इस महीने से कितना उम्मीद है, ये अलग अलग सभी लोगों के मन में विचार है। उसमें आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं। इस महीने से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये महीना हम सब लोगों को जिस तरीके से अपडेट हमारी पिछले महीने से लगातार मिलती चली आ रही हैं, उस महीने से लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि हाँ, अगस्त का महीना हमारा काफी फेबुलस होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ और भी डिपेंड करता है हमारे एस मुफारिस सर के ऊपर और उनके टेक्निकल स्टाफ के ऊपर और उनके ओ मीडिया डिपार्टमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपडेट, जो करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके की अपडेट हमें पिछले कई महीनों से, यानी कि अगर जून के महीने से बात करें तो जून के महीने से लगातार जो अपडेट मिल रही है, उस अपडेट को लेकर के ये अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एस सर के अनुसार इस महीने में कुछ सरप्राइज जरूर मिलने चाहिए। जी हाँ, कुछ सरप्राइज जो है हमें जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने कमिटमेंट किए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने अपने अपने वायदे किए हैं एंड जिस हिसाब से उन्होंने अपने बहुत सारी चीजों को अपने बैक ऑफिस के माध्यम से और अपने मैसेज के माध्यम से जो हम सब लोगों को बताया था कि खाना पक रहा है, आपको नहीं पता कि क्या पक रहा है और स्मेल आ रही है, इस हिसाब से और अपने ड्रीम्स को बूस्टअप करने के लिए तैयार हो जाइए, गेट रेडी एंड बकल अप, यानी कि अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, इस टाइप की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देती हैं अंदर से। और हम सब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि इस अगस्त के महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत हो जानी चाहिए जिससे कि फाउंडिंग मेंबर्स को ऐसा लगे और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, हम एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं। वैसे तो ये सारा काम जो है जून में होने की पूरी संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाया। जो भी कारण रहे हो वो मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार के बारे में भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जब भी कोई कॉल्स मैसेज वगैरह आता है तो उसमें एक सवाल जरूर आता है कि सर, हमारा नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार कब होगा। तो भाई, इसके लिए तो हमें बैक ऑफिस के ऊपर डिपेंड है, हम बैक ऑफिस में इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन आज है मंगलवार, जी हाँ, और आज मंगलवार है। लेकिन अगर आज की बात करें हम, तो आज इंडिया में तो दिन है, लेकिन इंडिया में तो दिन निकल रहा है लेकिन अमेरिका में रात हो रही होगी। सो आई थिंक हमें ट्यूजडे, अगर अमेरिकन टाइम के हिसाब से बात करें तो ट्यूजडे रात को 11 बजे हमारा एक पब्लिक वेबिनार होने वाला है माइकल विलियम्स के द्वारा। जी हाँ, अमेरिकन टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, मंगलवार को रात को 11 बजे। अब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप जरा सर्च कर लेना, ठीक है, कि इसमें जो है कहीं 12 तारीख ना हो जाए हमारे इंडिया के हिसाब से, तो इसको एक बार सर्च कर लेना ढंग से। और मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं सही टाइम सेट करके मैं जरूर डाल दूंगा, सो आप उसको जरूर अटेंड करें। लेकिन कॉर्पोरेट वेबिनार के बारे में अभी हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1.5 महीने से लगभग अगर हम देखें तो 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है।
सभी फाउंडिंग मेंबर्स इस समय अगर हम देखें तो अपना ओईएस जब खोलते हैं तो वो अपनी पलके बिछाए बैठे होते हैं कि कब हमें हमारा जो माई वॉलेट है वो ग्रीन मिलेगा, कब हमें वहां पे एप्पल्स दिखाई देंगे, कब हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे होंगे एंड कब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो तेजी से बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे होंगे। सो इस टाइप से बहुत सारी चीजें फाउंडिंग मेंबर के मन में चल रही हैं एंड मैं इस समय जो बातें आपसे कर रहा हूं आप इसको जो अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि इस समय जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आ जाती हैं। कम दिन भर में 10 से 20 कॉल आ जाती हैं और लगभग किसी भी व्यक्ति से अगर लंबी चैटिंग हो जाए तो उनसे बहुत सारी बातें होती हैं। लोगों का कहना है कि आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे, बहुत सारे लोग, और ये मेरा भी कहना है और बहुत सारे लोग और भी हैं उनका भी कहना है कि कब तक इंतजार करेंगे। तो भाई इंतजार की बात तो ऐसी है कि यहां पे जब चीज बनती है तो कहीं ना कहीं हमें इंतजार तो करना पड़ता है, लेकिन उस इंतजार को आप किस तरीके से बिता रहे हैं ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई खाली समय है फॉर एग्जाम्पल, तो किसी किसी व्यक्ति का तो खाली समय ऐसा होता है कि एक एक पल उसको काटता है, और किसी व्यक्ति के पास जो खाली समय इतना होता है कि वो उसको एंजॉय कर लेता है जिससे उसको पता भी नहीं चलता। सो यहां पे आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार का मतलब ये है कि आप उस पल को किस तरीके से बिता रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम हम जो है इंतजार कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बिजनेस आ रहा है ये हमारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी बिजनेस है। दोनों तरीके के लोग हैं अपने इस कैटेगरी के अंदर, आई मीन इस ऑन पैसिव के अंदर। कुछ लोग हैं कि हम कब तक इंतजार करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं सर हम यहां पे इंतजार करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है। अगर हम आज की डेट में थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं और ये बिजनेस शुरू हो जाता है सो हम सबको पता है कि आने वाली जो जनरेशन है उनकी लाइफ कैसी होने वाली है, और प्लस हमारे जो ड्रीम्स हैं हमारी जो लाइफ है वो कैसी होने वाली है। समय चाहे जितना भी लगे हमें अपने सीईओ सर पर जो है पूरा भरोसा है, मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है एंड हम सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से मानते हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग इंतजार कर सकते हैं वो हमेशा इस चीज को मानते हैं कि हम यहां पर सफल जरूर होंगे। जी हाँ, यही यहां पे हम सब लोगों को एक गारंटी मिल सकती है, यही एक गारंटी मिलती है हमारे इस ऑन पैसिव के अंदर कि आप यहां पर 110% ही नहीं बल्कि 1000% यहां पे आप सफल होंगे। हम किसी भी फ्रॉड कंपनी के अंदर थोड़े ही हैं जो हमें डर लगेगा, यहां तो हम जो है बिल्कुल प्योर एंड लीगल कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं और यहां पे हम इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी मिली है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि यहां पे जो है कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, सो आप अपने आसपास के पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर के संपर्क में रहिए, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। अपनी अपनी सोच के अनुसार कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं और इस महीने के बारे में जो है बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं इस महीने के बारे में कि इस महीने में ऐसा हो जाना चाहिए, इस महीने में वैसा हो जाना चाहिए। हमारे लिए हर दिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक उम्मीद का दिन है। आज 8 तारीख हो चुकी है, आज सोचते हैं कि हो सकता है कि आज बैक ऑफिस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए, कुछ अपडेट आ जाए। कल 9 तारीख हो जाती है तो आज सोचते हैं कि कल आ जाएगी, कल सोचेंगे फिर परसों आ जाएगी। तो इस तरीके से एक एक दिन जो है हमारा एक उम्मीद का दिन है इस अगस्त के महीने से, एक एक दिन से उम्मीद है हम सब लोगों को इस अगस्त के महीने से। सीओ सर भी जानते हैं कि यहां पे जो है देर नहीं बल्कि बहुत देर हो रही है एंड फाउंडिंग मेंबर्स भी जो है बहुत ज्यादा अधिक तादाद में यहां पे इंतजार कर रहे हैं एंड मैक्सिमम लोगों की जो आखिरी उम्मीद है ना जीवन बदलने की वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव ही है। इसके अलावा और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा और कोई उनके पास विकल्प है ही नहीं, सब कुछ यहीं से ही होगा। मैं आपको बताता हूं सब कुछ यहीं से होगा एंड सब कुछ आप जो सोच के बैठे हैं वो सारी की सारी चीजें यहीं से ही आपकी पूरी होने वाली हैं। जितने भी आपके काम हैं, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, लाइफ है, घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो भी आपने सोच रखा है यहां पे सब कुछ यहीं से ही आपका पूरा होने वाला है। बिकॉज यही एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऑटो मोड पे लेके जा सकती है। सो यहां पे हमें अपने सीईओ सर पे जो है पूरा भरोसा रखना ही पड़ेगा और हमें दिन रात उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना भी पड़ेगा। जी हां,
अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बहुत ज्यादा जो है आगे तक जाएंगे इसमें। अगर एक फाइनल डेट के बारे में जो है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर एक फाइनल डेट मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनको एक संतुष्टि मिल जाएगी, एक कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीईओ सर ये फाइनल डेट क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है और इसमें कोई भी फाइनल डेट नहीं होती है। यहाँ पे जैसे जैसे चीजें बनती जाएंगी वैसे वैसे चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी, इसलिए इसमें डेट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अगर बात करें हम कि हमारा जो अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का महीने के बाद सेप्टेम्बर, और उसके बाद जैसे ही सेप्टेम्बर खत्म होगा तो 5 अक्टूबर से हमारा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं नजाल सर भी जो है इसकी तरफ बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी के साथ साथ हमें पता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट इस वर्ल्ड कप से पहले अगर आ जाए तो क्या हो, वर्ल्ड कप से पहले अगर हमारा प्रोडक्ट आ जाता है और वर्ल्ड कप में हमारा स्पॉन्सरशिप की जो तैयारी चल रही है, एडवर्टाइजमेंट की तैयारी चल रही है, वहां पे बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रैफिक आने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। और हम सब लोग अच्छे से बहुत सारे लोगों को प्लस पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप पूरी इंडिया में देखा जाता है, ऑन पैसिव का नाम भी पूरी इंडिया में रातों रात जो है फैल जाएगा। तो इन सभी तैयारियों को देख करके तो ऐसा अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगस्त में बहुत कुछ होने की उम्मीद है, क्योंकि तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर आ जाए तो बिजनेस करने का मजा ही कुछ अलग होगा। सो यहां पे आप लोग एक्साइटेड रहिए और जो कुछ भी यहां पे चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको आप देखते रहिए और सीखते रहिए। और कॉर्पोरेट वेबिनार बहुत ही जल्दी हम सब लोगों के सामने जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सुनिट टू विनिट।